अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज मैं जा रही हूँ फैसलाबाद अपने भाई के साथ। आज मेरी आपी की है एनिवर्सरी, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था लेकिन हमने उनको झूठ बोल दिया कि हम लोग नहीं आ रहे। तो हम देना चाह रहे हैं जी अपनी आपी को सरप्राइज़। तो हम लोग बस अब 6:15 हो रहे हैं सुबह के और अब हम निकलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बाकी बातें आप लोगों से बाद में। कपड़े वगैरह जो है वो मैंने गाड़ी की डिग्गी में ऐसे ही रख दिए थे। मैंने कहा बैग शेक क्या बनाना है, सिर्फ एक रात रुकना है। तो बस दो सूट रख लिए थे, भाई ने भी दो सूट रखे हैं, मैंने भी दो सूट रखे हैं, और कुछ पर्स में मैंने मेकअप का सामान रखा है और बाल स्ट्रेट करने के लिए स्ट्रेटनर रख लिया है। और बस अब जो है ना, मैंने कहा अपना पर्स मैं अपने हाथ में रख लेती हूँ क्योंकि इसमें मैंने पैनाडोल वगैरह भी रखी थी और सफ़र में फिर जो है ना भाई ने खानी थी, इसलिए फिर मैंने ना बाहर निकाल लिया था पर्स। और बाकी जी अब मामा ने जो है ना हमारे लिए थोड़ी सी चिप्स बना दी थी और साथ में स्लाइस तल दिए थे अंडा लगा करके। भाई ये तुम लोग नाश्ता कर लेना जब तुम लोगों को भूख लगे। तो बस जी हमारा जो सफ़र है ना वो शुरू होने वाला है। बज के 7 मिनट हो चुके हैं, हम अपने घर से निकल चुके हैं और हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका है। भाई ज़रा मेडिसिन लेने के लिए गए हैं कि रास्ते में कोई सर दर्द या कुछ भी अल्लाह माफ़ करे हो सकता है, तो इसलिए मेडिसिन रखी हैं। साथ में कुछ खाने पीने के लिए भी ले रहा है वो लेस चिप्स वगैरह। तो हम बस 2-3 मिनट के लिए फार्मेसी पर रुकें, उसके बाद जी हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से मोटरवे पर इंशाल्लाह। आप लोग हमें दुआ में याद रखिएगा। तो हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no real. पाँच से 10 मिनट के लिए हम सफ़र में रुके हैं और हमने नाश्ता किया है। मामा ने जो चिप्स बना के दी थी और अंडा और ब्रेड थी जो, वो फिर भाई ने खाई है। इसके बाद उसने पैनाडोल खाई है क्योंकि उसके हल्का हल्का सर में दर्द था, तो इस वजह से। और हमने जी अपने गाड़ी के जो शीशे हैं वो भी थोड़े बहुत साफ़ करवा लिए थे, बहुत ज़्यादा डस्ट थी और वीडियो जो है वो ठीक से नहीं बन रही थी इस वजह से। अब जी हम खाना खा रहे हैं। पेट्रोल जो है वो गाड़ी में डलवा लिया है, टैंकी हमने फुल करवा ली है। अब हमने कहीं भी नहीं रुकना और बस अब हम चलते जाएंगे। ये जी हम सिटी में पहुंच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं घर को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा है। हम लोग 6 बजे चले थे और तकरीबन यहाँ पर 10:12 हो गए हैं और हम जो हैं बस बिल्कुल पहुंचने ही वाले हैं घर। हमने अभी तक किसी को भी नहीं बताया, अपने मामुओं को भी नहीं बताया कि हम लोग जो हैं उनकी सिटी में हैं। और अब जो है अब हम अपनी मामू की शॉप पे जा रहे हैं उनको सरप्राइज़ देने के लिए कि हम लोग जो हैं इधर आए हुए। देख लो यार क्रेडिट अपना उतारो पिछला ओके सोके जैसे। ये जी मेरे मामू की शॉप है, उन्होंने अभी पता ही नहीं है, अभी भाई मिलने जाएगा उनसे। तो फाइनल घर जाके मिलते हैं आपसे।
जाओ मिलो। ये जी हम पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम अब जा रहे हैं अपनी नानों के घर। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलूंगी जी अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।